ईटी न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम ईटी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। तराजू के एक पलड़े पर मोदी जी और मां मेनका, तो दूसरी तरफ बंदूकधारी बैठा है मां रूप में आपके बीच। आपकी जिले वासियों सेवा करने आई हूँ, चयन आपको करना है कि आप किसे पसंद करते हैं। उक्त बातें दोस्तपुर के हटियावा अनुपम विद्यालय अखंड नगर के नरवारी तथा विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए 38 लोकसभा सुल्तानपुर की भाजपा प्रत्याशी भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री मेनका गांधी ने कही, मोदी सरकार में गांव गरीबों तक अनगिनत योजनाएं पहुंचने, सांसद बेटे वरुण गांधी द्वारा जिले का ठोस विकास किए जाने, गुंडे माफियाओं का खात्मा होने पर मोदी सरकार द्वारा पूरे देश में बिना किसी जाति व भेदभाव के विकास की गंगा बहाने की बात भी मेनका ने अपने उद्बोधन में कही। मेनका गांधी ने बिना नाम लिए इशारों में गठबंधन प्रत्याशी चंद्रभद्र सिंह सोनू पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति करोड़ों का टिकट खरीदा हो वो जनता की क्या सेवा करेगा, वह ठेकेदारों प्रधानों कोटेदारों को सताएगा, कभी उसके धन की भरपाई नहीं हो पाएगी। जिसके ऊपर दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हो वो जनता की क्या मदद करेगा, जनता उससे डर के मारे अपेक्षा ही छोड़ देगी। इस दौरान पूर्व मंत्री विनोद सिंह, विधायक राजेश गौतम, प्रमुख बंटी सिंह, विवेक सिंह, संयोजक राजेश सिंह, पिंटू मिश्र, वरिष्ठ भाजपा नेता लालमणि सिंह आदि लोग मौजूद रहे। अब आप जानते हैं सुल्तानपुर में शासक है आपकी माँ। माँ एक शक्ति, एक ताकत, उम्र चाहे कुछ भी, मैं आपके लिए हूँ। जब भी आज इंसान मुश्किल में, पीड़ित में, कोई भी जात, कोई भी कौम, कोई भी उम्र की हो, उनको मालूम है अगर मेरे पास आए तो हर ताले की चाबी मिलती है। आप लोग इधर करके आज सुल्तानपुर लोकसभा में श्रीमती मेनका गांधी जी ने कादीपुर विधानसभा में एक जनसभा किया। जनसभा के दौरान उन्होंने बताया कि पहले उनका बेटा आया था, उसने दिया, अब माँ आई है, माँ दे कर जाएगी, लेकर नहीं जाएगी। तो इस तरह से आज मेनका जी ने अपनी भावना का इजहार किया और अपील किया कि बढ़ चढ़ के मतदान करें और भाजपा को और मोदी जी को मजबूत करें। मैं कैमरा पर्सन अनुभव साथ, संतोष पांडे, प्राइम ईटी न्यूज़, सुल्तानपुर से संतोष कुमार पांडे की खास रिपोर्ट।